हेलो एवरीवन, एटीएम विशेष पर आपका स्वागत है। आज हम सूजी की बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस सी मिठाई बनाएंगे जो कि एकदम नए तरह की है। इस तरह की मिठाई शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी या बनाई होगी। एक तो ये बनाने में बहुत आसान है, साथ ही इसमें कम तेल का कम घी का यूज होता है और चाशनी वगैरह की भी बिल्कुल झंझट नहीं रहती है। एकदम ईजी टू मेक मिठाई है, तो चलिए जल्दी से इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले कुछ तैयारियां कर लेंगे, कुछ चीजें हम तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 कप काजू लिए हैं। ये हम इस गरम कढ़ाई में डाल करके 2 मिनट तक इन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो क्योंकि अभी बरसात का सीजन है तो ये काजू थोड़े से सील भरे हो जाते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनका फ्लेवर बढ़ाने के लिए और अच्छा सा इन्हें क्रंची बनाने के लिए इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए, काजू को मैंने अच्छे से सेक लिया है, रोस्ट कर लिया है और मुझे इन पर अब थोड़ा थोड़ा कलर भी नजर आने लगा है। तो बस हमें इन्हें इतना ही रोस्ट करना है। अब हम इन काजुओं को निकाल कर साइड में रख देंगे और थोड़ा सा इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून देसी घी और एकदम स्लो पर रखेंगे गैस फ्लेम को। घी को हमें गर्म नहीं करना है। फौरन इसमें हम डाल देंगे ये 1/8 कप मिल्क और इसे हमें गर्म नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इंस्टेंट मिल्क पाउडर का खोया बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर मार्केट से लाया हुआ खोया वो यूज कर सकते हो और उसे आपको भूनने की जरूरत नहीं होगी। तो बस इसे मुझे कुछ सेकंड्स तक ही इसमें पका लेना है। और ये देखिए, पकाते पकाते जब ये इस तरह से कढ़ाई को छोड़ दें तो ये मतलब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब सूजी की मिठाई बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप सूजी का यूज किया है। मेरे पास थोड़ी सी मोटी वाली सूजी थी तो मैंने इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तब भी आप इसे थोड़ा सा मिक्सी में जरूर से ब्लेंड करें ताकि मिठाई बनाने में आसानी रहे। और इस पीसी हुई सूजी में अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लार का यूज किया है, आप मैदा भी यूज कर सकते हो। साथ ही में इसमें मैं डाल दूंगी ये 2 से 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बूरा, जो कि खाते समय जब मुंह में आएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। साथ ही में 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पिस्ता लिए थे जिसे मैंने अच्छे से क्रश करके इसका पाउडर तैयार किया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी, जो कि मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है, जो कि आप कम भी कर सकते हो या थोड़ी सी ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो। अब इस मिठाई को यूनिक टेस्ट देने के लिए, एक यादगार स्वाद देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 टेबलस्पून दही। दही से इस मिठाई का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपके मन में थोड़ी सी शंका आ रही होगी कि हम जब मिठाई बना रहे हैं तो फिर इसमें दही क्यों मिला रहे हैं, बट आप बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो दही से बहुत बढ़ जाएगा। तो दही मैंने फ्रेश यूज की है, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब इसका बैटर तैयार करने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। ये मैंने इसमें लगभग 1/2 कप दूध मिलाया है और इसका बैटर अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये चुटकी भर ग्रीन फूड कलर, जिससे कि इसका जो कलर है वो काफी अच्छा हो जाएगा और ये मिठाई बिल्कुल बाजार से लाई हुई मिठाई जैसी लगेगी देखने में। तो फूड कलर मिलाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ही आप इसमें मिलाओ, नहीं तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हो। तो ये मिक्सचर तो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, पर अब हम इसे ढक करके 25 से 30 मिनट तक का रेस्ट दे देंगे जिससे कि सूजी मिल्क को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी। तो 25 मिनट तक इसे हम इसी तरह से रहने देंगे। तो ये देखिए, अब जो मिल्क पाउडर से हमने खोया तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है और जो काजू मैंने शुरुआत में भुने थे, रोस्ट किए थे, उसे मैंने मिक्सी में डालकर पीस कर उसका एकदम से फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, ये हम इस खोए में डाल देंगे। और इसमें भी फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हरी इलायची का फिलिंग को। अब हम मीठा करने के लिए इसमें भी डालेंगे पीसी हुई चीनी का पाउडर, जो कि आप इसमें भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर मिला लूंगी क्योंकि हमने इसमें काजू का पाउडर मिलाया है तो ये काफी सूखा सूखा हो चुका है। तो इसमें हम लगभग 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के करीब दूध मिला लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट सी इसकी टेस्टी डिलीशियस मावा फिलिंग हम बना करके साइड में रख लेंगे। तो फिलिंग हमारी तैयार है। अब इतनी देर में हमारा सूजी का मिक्सचर भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये सूजी का बैटर अब अच्छे से तैयार हो चुका है और सूजी ने दूध को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा और दूध मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी बराबर करेंगे, एडजस्ट करेंगे हम। देखिए मैंने इसमें लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा कम दूध और मिलाया है क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है। तो अब ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो अब मैंने गैस पर एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस मिठाई को बनाने में बहुत ही कम घी का यूज होता है। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ, लगभग 1/2 टीस्पून घी में इस तरह से फैला दूंगी। आप चाहो तो तेल का भी यूज कर सकते हो। और गैस फ्लेम को एकदम स्लो पर रखेंगे और थोड़ा सा इसे गर्म होने देंगे। और जैसे ही तवा गर्म हो जाए, जो सूजी का बैटर हमने तैयार किया है वो हम इस पर इस तरह से सेंटर में डाल देंगे, बिल्कुल डोसे की तरह। तो मैंने सूजी का मिक्सचर दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है क्योंकि मैं इसके दो पीस तैयार कर रही हूँ। आप चाहो तो एक ही फुल बड़ा पीस तैयार कर सकते हो या छोटे छोटे पीसेस भी आप बना सकते हो। और फिर इस तरह से हल्के हाथों से हम इसे फैला देंगे इस तरह से पतला पतला। और हमें इसे अच्छे से पतला पतला जितना हो सके हल्के हाथों से फैला देना है और स्लो आंच पर ही हमें इसे पकाना है। तो जब तक ये एक साइड से अच्छे से पक ना जाए तब तक हमें इसे इसी तरह से पकने देना है। तो ये देखिए अब ये ऊपर से भी हमें पका हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये नीचे से अच्छे से पक चुका है। तो पहले हम थोड़ा सा घी इसके किनारों पर और इस पर फैला देंगे ताकि ये जब हम इसे पलटे तो ये इस साइड से भी अच्छे से सिक जाए। और फिर बहुत सावधानी से पहले हम इसके किनारों को छुड़ा लेंगे और हल्के हाथों से हमें इसे पलट लेना है। और ये याद रखिएगा कि जब तक ये एक साइड से ना पक जाए तब तक हमें इसे नहीं पलटना है क्योंकि ये सूजी का है तो हो सकता है कि ये टूट जाए, तो पूरी सावधानी बरतनी है हमें। और दूसरी साइड से भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए हमें इसे सेक लेना है और फिर इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अभी भी ये गर्म है तो मैं इसे एक दूसरी प्लेट में पलट लूंगी। और गर्म गर्म पर ही जो फिलिंग हमने तैयार की है वो हम इस पर बटर नाइफ से इस तरह से फैला देंगे, एकदम हल्के हाथों से फैलाएंगे इस तरह से। देखिए तो ये देखिए इस तरह से फैला देने के बाद इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे। और क्योंकि अभी ये गर्म है तो थोड़ा सा हाथों में जल सकता है तो सावधानी से इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे टाइटली। और ये रोल बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे एक तेज चाकू से। तो यहाँ आपको ये बता दूं कि अगर आपको मावे का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पर सफिशियंट अमाउंट में मावे की फिलिंग का यूज़ किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है और हमारी डिलीशियस ही सूजी की मावा रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म या ठंडा करने के बाद सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए सूजी की एकदम नई अनोखी और लाजवाब स्वाद वाली मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और सूजी के ये मावा रोल खाने में जितने अच्छे लगते हैं उतना ही आसान है इसे बनाना और इसका टेस्ट सभी को याद रहेगा। तो आप भी इसे एक बार जरूर घर में ट्राई करें। आप चाहो तो इसे बनाकर फ्रिज में आप 4 से 5 दिनों तक रख भी सकते हो। तो बनाइए, खाइए, सभी को ये नई तरह की मिठाई खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की नई नई रेसिपीज मिलती रहे। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस सूजी के डिलीशियस मावा रोल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट यमीशियस।